सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को, दबाएं बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम यूट्यूब चैनल आर्क सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज की वीडियो में फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि यानी कि बजाज पल्सर, ये जो देखो आपके पीछे जो बाइक खड़ी है बजाज पल्सर, यानी कि इसकी जो पेट्रोल टैंक होता है, पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी क्या होती है और रिजर्व की कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि जो पेट्रोल खत्म होने वाला होता है तो कितने लीटर में रिजर्व लगता है, और वो जो बाइक की जो चाबियां आती है यानी कि बाइक का चाबी वाला जो पेट्रोल टी आता है, यानी कि उस पेट्रोल टी का ऑन ऑफ और रिजर्व कहाँ को लगता है, मैं आज की वीडियो में फ्रेंड ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये बताने वाला हूँ कि पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी क्या होती है, रिजर्व कितने लीटर में लगता है, और जो चाबी वाला जो पेट्रोल लॉक होता है यानी कि पेट्रोल टी जो होती है यूनिवर्सल, वो सभी गाड़ियों में लगती है वैसे मैक्सिमम बजाज की, तो उसका जो पेट्रोल ऑन ऑफ और रिजर्व कहाँ को लगता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। जैसे कि देख पा रहा हूँ आपके बजाज पल्सर बाइक है, ठीक है, इसमें जो लॉक लग रहा है वो चाबी वाला लॉक लग रहा है, जो चाबी जिसमें दो चाबी लग हुई होती है, ठीक है, और ऊपर जो चाबी देख रहा हूँ आपके वो मेन स्विच की चाबी है और नीचे जो है पेट्रोल लॉक की चाबी है। और जैसे कि देख रहा हूँ आपके इसमें फिलहाल यहाँ पर ये चाबी लगी है, इधर रिजर्व लिखा है, इधर क्या लिखा है फ्रेंड, इधर जो लिखा है ऑन लिखा है फ्रेंड, देख रहे हो कि अब मैं इसको यहाँ पे चाबी निकालता हूँ पहले। तो जैसे कि इसकी चाबी निकल चुकी है फ्रेंड, तो आप देख रहे हो इधर के इधर साफ साफ इधर ऑन लिखा है और इधर रिजर्व लिखा है, और ऊपर की साइड फ्लायर कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें जो लिखा है फ्रेंड सिर्फ टी टाइप का बनना है, जो काफी कुछ खास नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल ऊपर का जो सिग्नल है वो क्लोज का होता है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, देखो फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ पर चाबी निकाली है तो यहाँ पर ये जो है पेट्रोल टैंक में जो पेट्रोल होता है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, यानी कि पेट्रोल लॉक, यहाँ पे पेट्रोल बंद होता है, बंद होने के बाद चाबी निकलती है। ठीक है, जब कोई भी आप अपनी बाइक में पेट्रोल लॉक लगाएं तो यहाँ पे इस सेंटर में बीच सेंटर में यानी कि ऑफ होता है पेट्रोल कार्बोरेटर में जाने का रास्ता जो होता है बंद हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी बाइक में यानी बजाज पल्सर बाइक है और आपकी बाइक में पेट्रोल ज्यादा है यानी कि 3 लीटर के आसपास है या 3 लीटर से ऊपर है, यानी कि 3 लीटर से ऊपर है तो आप इसको ऑन में लगा सकते हो, और अगर 3 लीटर के समथिंग है तो फिर आप रिजर्व में लगाओगे, क्योंकि इसकी जो पेट्रोल टैंक की जो कैपेसिटी होती है फ्रेंड, रिजर्व की जो कैपेसिटी होती है बजाज पल्सर के पेट्रोल टैंक की, वो 3 लीटर के आसपास होती है रिजर्व, यानी कि रिजर्व में लगता है। वैसे और गाड़ी के जो मुताबिक जो और जैसे 100 cc की जो बाइक होती है उनका जो हिसाब होता है पेट्रोल टैंक रिजर्व की कैपेसिटी का, तो वो 1.5 से 2 लीटर के आसपास होता है, पर बजाज का थोड़ा ज्यादा है, 3 लीटर के आसपास है समथिंग रिजर्व की कैपेसिटी, और 3 लीटर से ऊपर अगर हम पेट्रोल भरवाते हैं तो ऑन होता है फिर, यानी कि ऑन में लगाएं। तो देखो फ्रेंड जैसे कि हम चाबी लगाते हैं, जब हम पेट्रोल टी नहीं लाते हैं तो इस पोजिशन में होता है लॉक। ठीक है, और अब हम इसको चाबी लगाएंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर है पेट्रोल ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेट्रोल रिजर्व जो लगता है फ्रेंड, रिजर्व यहाँ को लगता है इधर को, जैसे कि मारेंगे चाबी है इस हिसाब से हमने चाबी लगाई, इधर को घुमाएंगे बीच सेंटर में से तो इधर को लगेगा रिजर्व, और यहाँ पर ऑफ और यहाँ पर ऑन। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि 5-6 लीटर पेट्रोल है या 8-10 लीटर पेट्रोल है, इधर को अगर हम इतना पेट्रोल रखते हैं टैंकी में तो हम ऑन में रखेंगे, और अगर हम 3 लीटर के आसपास 3 लीटर से कम रखते हैं तो हम फिर रिजर्व में रखेंगे। ठीक है, यहाँ को हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, और इसके बजाज की जो पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी होती है फ्रेंड 15 लीटर की कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा, और गाड़ी के मुताबिक बहुत ज़्यादा 15 लीटर के आसपास इस पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है बजाज पल्सर UG4 जो है। ठीक है फ्रेंड, वो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी इतनी है, और आप जब कभी पेट्रोल भरवाते हो तो आप 11-12 लीटर ही पेट्रोल भरवाना, इससे ज़्यादा मत भरवाना, क्योंकि साइड इफेक्ट होते हैं, ये जो टंक के आसपास ये जो यहाँ पे दरारें होती है ना, तो थोड़ा छलकता है पेट्रोल, तो इसमें गैस भी बनती है, गैस बनने से पेट्रोल ब्लॉक भी हो जाता है और फिर यहाँ पे गिरने के चांसेस भी होते हैं। फिलहाल कंपनी रिकमेंडेड भी कंपनी मना करती है कि ज़्यादा पेट्रोल आप इसमें ना भरवाएं। 15 लीटर की अगर कैपेसिटी है इस बजाज पल्सर की तो आप इस पर 10-11-12 लीटर ही पड़वाएं पेट्रोल। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड कि इसकी पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी क्या है, रिजर्व कहाँ को लगता है, ऑन कहाँ को होता है और ऑफ कहाँ को होता है। और फ्रेंड ये जो पेट्रोल टी है ना, चाबी वाली पेट्रोल टी मैक्सिमम बजाज की गाड़ी में यूनिवर्सल सभी गाड़ियों में लगती है ये, और इन पेट्रोल टी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं फ्रेंड। और ये जो पेट्रोल टी होती है सही रहती है, सेफ रहता है पेट्रोल, और कोई पेट्रोल चुराता भी नहीं है, और ये लॉक टूटने का चांसेस भी नहीं होते इतनी जल्दी, ये टूटते भी नहीं है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, जो नई गाड़ियाँ आती हैं वो तो 100%
लगवाते लगवाते हैं, और मैक्सिमम और भी लगवाते हैं इनको। और ये कंपनी रिकमेंडेड नहीं है वैसे, अलग ही मिलते हैं सप्राइड अलग अलग कंपनी के, एआर कंपनी, पपना कंपनी और अदर भी कंपनियां होती हैं बहुत सारी। तो फ्रेंड ये सही रहता है, और ये लोग जो होता है बहुत बढ़िया होता है, पेट्रोल इससे नहीं छुटता है, और जब तक चाबी लगेगी जब तक पेट्रोल निकलता भी नहीं, नहीं तो और गाड़ी के जो पेट्रोल लॉक होते हैं तो उसको कहीं हम दूर खड़ी करते हैं, जैसे पहाड़ी स्टेट होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहां पर हम गाड़ी नीचे खड़ी करके हम जाते हैं काफी ऊपर, तो उस पोजीशन में पेट्रोल, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो पेट्रोल निकाल लेते हैं बाइक से। ठीक है फ्रेंड, तो इस पेट्रोल टी का यानी कि जो चाबी वाली जो पेट्रोल टी है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है, अमेजोन साइट से। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएंगी सारी बातें, तो आप समझ भी गए होंगे कि पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी क्या होती है, ऑन कहाँ को होता है, रिजर्व कहाँ को लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आई होंगी सारी बातें, और आप समझ भी गए होंगे कि पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी क्या होती है बजाज पल्सर की, और पेट्रोल लॉक जो देख रहे हो आपके, पेट्रोल लॉक किधर को ऑन ऑफ होता है, ठीक है, यानी कि ऑन किधर को होता है, रिजर्व कहाँ को लगता है, और ऑफ कहाँ को होता है। और ये जो पेट्रोल टी है यानी कि चाबी वाली जो पेट्रोल टी है, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा, यानी कि पेट्रोल टी जो है, पेट्रोल टी चाबी वाली, इनके लिंक यानी कि पेट्रोल टी जितनी भी है, यानी कि जितनी भी बाइक है, मैक्सिमम ये जो पल्सर की यूनिवर्सल होती है, सभी बजाज की गाड़ियों में लगती है मैक्सिमम, पर इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं, हो सके तो आप अपनी बाइक में ये पेट्रोल टी लगाएं, क्योंकि इससे पेट्रोल सेफ रहता है और पेट्रोल चुरता नहीं है, और फिलहाल अच्छी सेफ्टी है, फिलहाल कोई दिक्कत भी नहीं, जब तक चाबी नहीं लगेगी जब तक पेट्रोल कोई भी निकाल भी नहीं सकता। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और फिर मिलता है नई वीडियो के साथ।